अगर आप भी अपने बच्चे को किसी अपने रिश्तेदार के घर पर रहकर पढ़ने भेज रहे हैं तो यह खबर जरूर देखिए और सावधान हो जाए। मामला है पूर्णिया का, जहां चाइल्ड लाइन द्वारा बरामद 6 साल की लड़की से जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बच्ची ने बताया कि उसी के एक रिश्तेदार ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के नाम पर पूर्णिया लेकर आए और यहां रखकर घर के काम करवाने लगी। जब भी माँ का फोन आता तो बच्ची को डरा धमका कर कुछ भी बताने से मना कर देती और लगातार बच्ची के साथ मारपीट करती रही। बहुत प्रयास के बाद बच्ची कल वहां से निकलने में कामयाब रही। चाइल्डलाइन के शहजाद हुसैन ने बताया कि पीड़ित बच्ची के शरीर पर काफी जख्म के निशान पाए गए हैं। फिलहाल तो बच्ची का मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद बच्ची को बालिका गृह में रखा गया है। पास से खाला के पास कैसे पहुंची और बताओ शुरू से। मेरा खाला से हम भाग के आ गए कपड़ा लेके सब। तो मेरा खाला मारी आज हमको बेलन से मारी, मथा में मारी मेरा खाला, हाथ पैर सब में मारी मेरा खाला। क्यों मारी थी और क्यों मारती थी खाला, क्या क्या कराती थी तुमसे? बर्तन धुला रहे थे, पूछा लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था, कपड़ा धो रहे थे। मम्मी को नहीं बताई सच तुम? नहीं बताए हम, वो लोग मारती है इसलिए हम नहीं बोले। हम मारती है खाला हमको। खाला के पास से कैसे भागी, निकल के कैसे भागी? खाला बात में चल गए थी, हम इधर से आ गए, पीछा लगा के झाड़ू तारू लगा के आए हम। अच्छा, अब कहाँ जाना है? अब घर जाना है हमको। खाला का घर कहाँ होगा? ये पुनिया है। तो फिर पापा मस्जिद में भटकी हुई बच्ची मिली है रामबाग चौक पर, तो फिर चाइल्डलाइन की टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ कुछ पब्लिक लोग इस बच्ची को घेरे हुए थे। तो बच्ची जो है 6 वर्ष की है फिलहाल। बच्ची अपने चाइल्डलाइन अपने संरक्षण में लेके उसके अपने कार्यालय लाई और फिर बच्ची से जब काउंसलिंग किया गया तो बच्ची ने बताया कि घर तो नहीं बता पा रही है वो, लेकिन बच्ची ने जो काउंसलिंग बताया कि वो किसी अपनी खाला को चचेरी खाला है गाँव की, उसके मम्मी पापा उसको दे दिए थे पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन वो इसे काम करवाती थी झाड़ू पोछा ये सब बर्तन वर्तन यानी कि घर का जो भी काम होता है सारा करती थी ये। और इसके साथ ये 4 बजे भोर में उठती थी और 11 बजे 10 बजे रात में जाके सोती थी, और ये बीच में अगर कभी सो जाती थी तो इसकी जो बौसी है वो इसको पिटाई देके उठा देती थी। और बच्ची ने बताया है कि मुझे बेलन से मारती थी।